तो दोस्तों आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि आपके दोस्त आपका गेम प्ले देखे ही आपको नूब बोलते हैं। तो आज का वीडियो जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो अभी गेमिंग ऑफिशियल के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुँह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। गाइस तो आज के वीडियो को मैं टॉप 5 ऐसा मिस्टेक बताने वाला हूँ जो आप अगर करते हो ना, तो अगर आपका गेम प्ले राजस्टर की तरह है ना, तभी भी आपको सब बंदे नूबी बोलेंगे। कैसा? एंड गाइस कुछ आपके साथ कुछ ऐसा भी होता है, अगर आप अपने फ्रेंड के ग्रुप में गए, ग्रुप में जाके वहाँ पे खड़े रहे और आपको का मतलब वो आपका बिना आपका गेम प्ले कोई मतलब अनदन पर्सन आपका बिना आपका गेम प्ले आपको डायरेक्ट बोलता है नूब है, इसको नूब है, इसको निकाल, इसको निकाल, मतलब ऐसा आपको बोलता है। गाइस तो मैं आपको आज अगर टॉप 5 ऐसा मिस्टेक बताने वाला हूँ, वो आप रियलिटी करते होंगे इसलिए आपको सभी बंदे आपको ऐसा बोलते होंगे। एंड अगर आप ये मिस्टेक नहीं करोगे तो आपको सभी बंदे आपको नूब नहीं बोलेंगे, एकदम अखंड पीरो लेजेंड बोलेंगे। तो कौन सी वो मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है आज के वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो यार चलो भाई लोग यार बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस तो बढ़ते हैं हमारे पहले नंबर मिस्टेक की तरफ। एंड गाइस ये मिस्टेक है ना, मतलब 99% बंदे भाई लोग मिस्टेक करते हैं। तो भाई लोग मिस्टेक क्या, आपका नेम है ना भाई लोग, लिटरली बोल रहा हूँ, आप डिजाइन वगैरह में नेम रखते हो ना, जैसे कि पहले चलता था भाई लोग डिजाइन में नेम, मतलब डिजाइन में नेम देख के बंदे पहले पीरो समझते थे, पर अभी भाई लोग जमाना थोड़ा सा बदल चुका है, अब 2022 आ चुका है। तो कभी भी आपको जो आपका नेम है ना भाई लोग ज़्यादा स्टाइलिश में नहीं रखना है, आपको सीधा आपका नॉर्मल नेम रखना है, ठीक है। जैसे आपका कौन सा भी नेम है, जैसे मेरा अभी वाइटी है, जैसे मैं अभी से एक नाम है तो मैं अभी लिखता हूँ, तो अभी वाइटी लिख रहा हूँ जैसे। तो आपके सीधा सदा जो है नॉर्मल रेम ही रखना है, कुछ मतलब यार कुछ ज्यादा उसमें डिजाइन वगैरह नहीं लगाना है। एंड ये तो गाइस पहले मिस्टेक है, तो चलो हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड मिस्टेक की तरफ। तो गाइस काफी बंदे कुछ ऐसे भी होते हैं भाई लोग जो इलीट पास परचेस नहीं करते हैं, ठीक है। एंड इलीट पास परचेस नहीं करते तो नहीं भाई लोग यार उनको तो नूब बोलते ही है, ठीक है। तो आपको मैं कुछ ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ, अगर आप मतलब अगर आपका बैचेस है ना भाई लोग यार, जैसे कि आप अगर गेम प्ले खेलते हो ना, तो अगर आप अपना बैच तो सिमिलर रखो ना, जैसे कि आप अगर आप 200 नंबर 200 नंबर ऐसा अपना जो बैचेस में 200 नंबर करोगे ना, तो ऐसा यूनिक बनाओगे ना, तो आपको मतलब बंदे आपका मतलब बैचेस देख के आपका अगर आपने इलीट परचेस भी नहीं किया है डायरेक्ट आपको पीरो। तो अगर आप गेम प्ले वगैरह ज्यादा खेलते हो ना, तो क्या करना है, अगर आप इलीट पास ही परचेस नहीं करते फर्क नहीं पड़ता, आप डायमंड टॉप अप करते हैं नहीं करते हो, तो आपको क्या करना है, जो आपका बैचेस है भाई लोग कभी भी आपको मतलब यूनिक नंबर बना के रखना है, जैसे कि 200। मतलब गाइस आपको अपने आईडी में कुछ ऐसा बना के रखना है, जैसे कि आपके जो बैचेस है ना, आप कौन सा भी नंबर चूज कर सकते हो, 999 199, कुछ ऐसा आपका सिमिलर नंबर, अपने सब बैचेस वही सिमिलर नंबर बनाओगे ना, तो आपको बंदे आप पीरो ही बोलेंगे, ठीक है। तो भाई लोग यार ये जरूर एक बार ट्राई करके जरूर देखना, आपका मतलब यार आपकी आईडी काफी बढ़िया लगेगी। तो चलो भाई लोग यार बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर मिस्टेक की तरफ। एंड गाइस ये मिस्टेक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जैसे बायो हमको मिलता है, हम यहाँ पे मतलब अपना सिग्नेचर कुछ लिख सकते हैं, तो कभी भी आपको अपने सिग्नेचर में कुछ भी नहीं रखना, जैसे पहले जो फ्री फायर में आता है ना, पहले लिख के आता है जो फ्री फायर बैटल, तो आपको वो मतलब रहने नहीं देना, काफी भद्दा लगता है, काफी बुरा लगता है यार, मतलब यार पीरो बंदे देख के ना उसको इरिटेट हो जाते हैं, मतलब वो देख के वो मतलब बंदे को मतलब यार समझ जाते हैं कि ये बंदा कैसा है। तो ये जरूर इधर यहाँ पे सिग्नेचर में आपका काफी अच्छे अच्छे सिग्नेचर लगा सकते हो, जैसे अपना कुछ डायलॉग लगा सकते हो, कुछ मतलब यार कुछ शायरी वगैरह लिख सकते हो, मतलब बंदे वो शायरी देख के मतलब काफी खुश हो जाए, ऐसा अच्छा खासा वहाँ पे लिख सकते हो। एंड गाइस ये मिस्टेक कभी मत करना, अपना जो बायो है ना कभी भी अच्छा लिखना यार, बायो में अच्छा कुछ लिखते रहना, बायो कभी कभी चेंज करते रहना, एक ही बायो नहीं रहने देना, कभी भी बायो में अलग अलग कुछ रहने देना है, कि बंदे मतलब देख के कुछ हंसे कुछ पढ़े, मतलब यार अच्छा बंदे को यार लगे। गाइस तो ये तो हो गया मेरे थर्ड नंबर मिस्टेक, तो चलो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ नंबर मिस्टेक की तरफ। गाइस जैसे कि आपको पता है हमको जो फ्री फायर में जो बैज वगैरह मिलते रहते हैं, जैसे इसको पिन वगैरह बोलते हैं, तो आपको कभी भी भाई लोग पिन को कभी भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। क्यों भाई लोग यार, क्योंकि ये पिन लिटरली बोल रहा हूँ काफी बुरा लगता है यार, मतलब ये पिन ज्यादा से ज्यादा देखो, अब जितने पीरो बंदे हैं ना वो पिन को लगाते नहीं है, तो आपको भी कभी भी अपना पिन वगैरह नहीं लगाना है। एंड गाइस आपको जो अपना अवतार बैनर है लिटरली बोल रहा हूँ इतना पीरो बना के लगना है ना, मतलब एकदम अच्छे अच्छे अवतार जो आपके पास पुराने पुराने अवतार है बैनर है उसका अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बना के आपको डालना है, क्योंकि भाई लोग यार वो इसमें काफी इफेक्ट पड़ता है, बंदे मतलब यार फर्स्ट इंप्रेशन बंदे का मतलब यार अवतार बैनर पे भी जाता है, मतलब यार अगर आप गेम वगैरह में खेलते हो तो सबसे पहले यार मतलब बंदे अवतार बैनर ही देखते, तो कभी भी अपना जो अवतार बैनर का कॉम्बिनेशन एकदम तगड़ा बना के रखना है। एंड अगर आप चाहो तो मैं इस पे भी वीडियो ला दूंगा कि अवतार बैनर का बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको बता दूंगा, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। सिर्फ आपको क्या करना है पता है ना भाई लोग, सिर्फ कमेंट करना है यार भाई अवतार बैनर का बेस्ट कॉम्बिनेशन लाओ, उसके आपको मैं ऐसे टिप्स बताऊंगा ना आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताऊंगे, ठीक है, तो यार बता देना जरूर। एंड गाइस हमारे जो फिफ्थ नंबर की मिस्टेक है वो काफी बंदे करते हैं, वो होते हैं भाई लोग का ड्रेस कॉम्बिनेशन। हाँ भाई लोग का ये काफी बड़ी मिस्टेक है, मेन मिस्टेक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो अपना ड्रेस कॉम्बिनेशन काफी तगड़ा बना के रखना है, नहीं तो अगर आप परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन बना सको, जैसे कि मेरा यहाँ पे परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन है, आपने देखा ही होगा मैं एक ही मतलब पहनता हूँ, एंड मुझे आधे से ज्यादा बंदे अब यही कपड़े से पहचानते हैं। तो गाइस आपको कभी भी भाई लोग अपना अच्छा खासा ड्रेस कॉम्बिनेशन बना के रखना है। एंड गाइस अगर आप चाहते हो तो मैं इस पे वीडियो ला दूंगा कि आप परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हो, मुझको काफी एक्सपीरियंस है इसका, क्योंकि मैंने अपना जो खुद का परमानेंट
ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाया है, तो मैं आपको ये सिखा दूंगा कि आप अपना जो परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, मेरे को कमेंट करना है, मैं आपको बना दूंगा। ठीक है गाइस, तो आज का यही वीडियो था। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सबसे पहले चैनल पर नया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक आज के लिए इतना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।